हाय हेलो फ्रेंड दोस्तों, मैं आप करें डेमेल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ सट्रिक बाय परमार सर पर। तो दोस्तों आज का टॉपिक एसएससी रीजनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए किसी संख्या का 15% का मान 120 है तो उसी संख्या का 5% का मान कितना होगा। देखिए माना की संख्या एक्स है, एक्स का 15% बराबर कितना दे रखा उसने, 120 दे रखा। ठीक, तो पहले तो इसका मान एक्स का मान निकालेंगे, है ना। तो का मतलब क्या हो, गुणा, है ना। तो एक्स गुणी 15 और परसेंट का मतलब 100 बराबर 120 और एक्स बराबर क्या होगा 120 बटा ये गुणा वाली संख्या भाग में और भाग वाली संख्या गुणा में। 15 × 120 800। अब पूछा है कि जो संख्या आई उसका उसी संख्या का 5% क्या होगा। तो संख्या अपने पास अगर संख्या पूछे तो अपने से पास 800 आ गई। अब इसका अगर 5% पूछे तो क्या होगा, 5% करना नीचे 100, दो से पकड़ गए 5 × 8 = 40। 5% का मान कितना होगा 40। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या कोई संख्या 56 से उतनी अधिक है जितनी 92 से कम है तो संख्या कौन सी है। देखो 56 से उतनी अधिक है ना, अधिक अधिक मतलब x, जितनी 92 से कम है, इससे जितनी अधिक है और इससे इतनी कम है वो संख्या ढूंढनी है, यानी कि x 56 से जितनी अधिक है और 92 से उतनी कम है, ये संख्या अपने को ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, देखिए 56 प्लस ये वाली संख्या 92 और 2 का भाग लगा दो, 6 × 2 कितना हुआ 8, 9 × 5 = 14 बटा 2 और 2 × 7 = 14, 2 × 8 74 कितना आंसर आया 74। ये ऐसी संख्या जो जितनी कम है उतनी अधिक भी है, उसे जितनी अधिक है उतनी कम है। देखिए 56, 74 और 92 ये यहाँ से कितनी अधिक है, देखो 14 में 6 गए तो 8 और 6 में 6 गए तो 5 × 5 = 18 और 8 × 14 = 8 × 12 = 2 + 1 = 8 × 9 और इससे इससे 18 अधिक है और इससे 18 कम है, वो कौन सी संख्या 74 है। आई होप की बड़ी अच्छे से सुन, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। अगला क्वेश्चन, एक्स प्लस 1/x बराबर 10 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। जब यहाँ स्क्वायर है तो फार्मूला होगा पी स्क्वायर माइनस 2 वाला, पी का मान दोस्तों 10 हो जाएगा तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 2 बराबर 98 इसका राइट आंसर, 98 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पी प्लस 1/p बराबर कितना दे रखा इसने 11, तो पी क्यूब प्लस 1/p³ बराबर क्या होगा। तो यहाँ प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है तो अपनों को माइनस वाला साइन लेना, जो पी क्यूब है तो पी क्यूब माइनस 3p वाला फार्मूला लगेगा, p का मान कितना हो जाएगा 11, तो 11 का क्यूब माइनस 3 × पी का मान 11 का क्यूब कितना होगा 1331 माइनस 11 = 33, तो 11 में 3 गए तो 8, 2
12 में से 3 गए तो 9, और यहाँ एक कम 12, 1298 इज द राइट आंसर। अयूब की समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी रेक्टेंगल आर ई सी टी एन जी एल ई यानी कितने आयत, आयत एक दो तीन चार, अब देखते हैं है ना। देखो एक दो तीन चार पाँच छः, इधर तो छः हो गए, एक दो तीन चार है ना। अब आयत में क्या होता है दोस्तों, अलग तरीके से जोड़ा जाता है, आयत एक अलग तरीके से जोड़ा जाता है। देखो इन सब संख्या जोड़ लो, एक ने दो तीन, तीन छः चार दस, पाँच पंद्रह, पंद्रह छः इक्कीस, एक और दो तीन, तीन और तीन छः, छः चार दस, तो 21 और 10 का गुणा करेंगे यहाँ पे 21 इंटू 10, 21 दाम 210, कितने रेक्टेंगल होंगे 210। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें।